दोस्तों 90 की दहाई की नस्ल को ये एजाज हासिल है जिसे हम एक्स जनरेशन भी कहते हैं। इसने तार वाले टेलीफोन से लेकर जदीद सैटेलाइट फोन तक को एंजॉय किया है। एक जमाना था जब कुछ ही घरों में तार वाला टेलीफोन हुआ करता था और जिस घर में ये टेलीफोन हुआ करता था उनकी अहमियत दूसरे घरों के मुकाबले ज्यादा होती थी। इसके बाद अचानक की जदीद टेक्नोलॉजी में एक जादू हुआ और मोबाइल फोन मार्केट में आ गया, जो इस नस्ल के लिए हैरत अंगेज होने के साथ साथ एक्साइटमेंट का सबब भी था। शुरू में मोबाइल फोन का इस्तेमाल महंगे हैंडसेट और महंगी सर्विसेज होने के सबब कुछ ही अफराद की पहुंच तक ही था, मगर वक्त के साथ साथ मोबाइल फोन की डिमांड भी बढ़ती गई जिससे इसकी कीमत कम होने लगी और ये हर नौजवान का ख्वाब बनता गया। आज हम माजी के कुछ फोन याद दिलाएंगे जिनके लिए सभी अपने पॉकेट मनी जमा करके खरीदने की कोशिश करते थे और खरीदने के बाद रात रात भर इसके फीचर सीखने की कोशिश की होगी। नंबर वन पे है नोकिया का लाइन वाला फोन। ये फोन महाना बुनियाद पर बिल वाला फोन होता था जिसमें कॉल करने, कॉल सुनने और SMS करने के पैसे कटते थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आया नोकिया का सिम वाला फोन। ये नोकिया कंपनी का पहला सिम वाला फोन था। इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसके बिल जमा करवाने वाले झंझट से जान छुट गई थी। इसके साथ साथ मोबाइल कंपनीज की जानिब से मुख्तलिफ पैकेजेस भी ऑफर किए गए जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल बेकदरे सस्ता हो गया। इस फोन के फीचर में दो इजाफी फीचर भी मौजूद थे, एक इसमें सांप वाली गेंद थी और दूसरा इसमें टॉर्च लाइट का फीचर भी था। नोकिया कंपनी के फोन के साथ साथ मार्केट में मोटोरोला फोन भी आ गए जो नोकिया के मुकाबले में बहुत सस्ते थे, मगर इसके साथ साथ बैटरी टाइमिंग और पायदारी भी नोकिया के मुकाबले किसी हद तक कम थी। मगर इसके आने से मोबाइल फोन उनकी पहुंच में भी हो गया जो उसे अफोर्ड करने के काबिल नहीं थे। फिर इसके बाद मोबाइल फोन कंपनीज ने मोबाइल के नए फीचर्स बढ़ाना शुरू कर दिए जिसमें एक जानब कैमरे में इजाफा किया और दूसरी जानब इसके अंदर स्पीकर में गाने सुनने की सहूलत भी मयसर हो गई। ऐसे फोन नौजवानों को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत कामयाब हुए। तमाम नौजवान अफराद ऐसे फोन खरीदने की ख्वाहिश करने लगे जो फोन के साथ साथ वॉकमैन के तौर पर भी काम कर सके। ऐसे फोन में सोनी एरिक्सन ने सबको अपनी जानब मुतवज्जा किया। इसके बाद मोबाइल फोन कंपनीज ने एक और जदीद फोन यानी फ्लिप फोन मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए जिनको देखकर लोगों ने स्टाइल के लिए ये फोन खरीदना शुरू कर दिए। ये सब वो फोन थे जिनके साथ 90 की दहाई के लोगों की ख्वाहिश और जवानी गुजरी थी। तार वाले फोन से लेकर स्मार्टफोन तक देखने वाली इस नस्ल के वक्त के साथ साथ एक जानब तो दिलचस्पी बढ़ती गई और दूसरी जानब वक्त के साथ साथ फोन के फीचर्स भी बढ़ने लगे। यहाँ तक कि जो फोन हमारे हाथों में है वो एक मोबाइल फोन से ज्यादा एक मिनी कंप्यूटर की सूरत इख्तियार कर गया है। उम्मीद है आपको भी ये सब फोन याद होंगे और आपने भी पैसे जमा करके या अपना पुराना मोबाइल बेचकर इन तमाम मॉडल्स के फोन को इस्तेमाल किया होगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पहला फोन कौन सा था। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।